हेलो गाइस भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए इस समय यूपी पीसीएस जे का जो एग्जाम हुआ है उसकी आंसर कीज के साथ बैठा हुआ भाई। आंसर कीज डिस्कस करेंगे, ये सेट बी है। आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ भाई, ये सेट बी वाला है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसके साथ हम चीजों को स्टार्ट करेंगे भाई। आप लोगों से बोलूंगा कि वीडियो को मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट करूं, उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और मैंने पेपर वन से रिलेटेड जो वीडियो अपलोड किया है उसे भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं भाई। मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा और साथ ही उसकी रीजनिंग भी बताता हुआ चलूंगा। बट आप लोगों से फिर से कह देता हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। पेपर वन की आंसर की भी लॉ से रिलेटेड मैंने आप लोगों को शेयर कर दी है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आप लोगों से पूछा जा रहा है, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अगर पार्टली अनलॉफुल है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी क्या होगी? तो इसका आंसर होगा वॉइड। रीजन क्या है? सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो इस बार का पेपर जो आया है ना, उसमें वैसे जनरली ना हर जगह अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते थे तो सीक्वेंस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पूछा जाता था। बट इस बार इन लोगों ने ऐसा कोई पॉइंट फॉलो नहीं किया है। इन लोगों ने कभी सीपीसी दे दिया, कभी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो स्टूडेंट जो है एक बैरक से दूसरे बैरक, दूसरे बैरक से तीसरे बैरक, ऐसे घूमता रहेगा। इसलिए आईसी के रेफरेंस में मैं आप लोगों के साथ अब सीपीसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसके बारे में इसका आंसर डिस्कस करने जा रहा हूं। फिर से बता देता हूं, ये सेट बी है भाई। इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों से सीपीसी के सेक्शन दे रखे हैं और इससे रिलेटेड आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इसके रेफरेंस में सही आंसर क्या होगा। तो इसके रेफरेंस में डी वाला आंसर सही होगा। इसके रेफरेंस के लिए आप सीपीसी का बैरेक्ट को कोट कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। दोबारा से सीपीसी का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। आप लोगों से पूछा जा रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोगों को यह बताना है कि कौन सा सेक्शन पहले आएगा और फिर उसके बाद कौन सा सेक्शन आएगा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम देखें तो सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, रेस जुडिकाटा 11, लीगल रिप्रेजेंटेटिव 50 और अरेस्ट और डिटेंशन 55। इसलिए इसके रेफरेंस में डी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, डी वाला आंसर इसके रेफरेंस में सही होगा। सेक्शन 55 अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, एजर्शन और रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से कह रहा है भाई, आईपीसी में क्या क्रिमिनल एग्जेम्पशन मिलता है लाइबिलिटी से? क्रिमिनल लाइबिलिटी से क्या एग्जेम्पशन मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है, 76 से लेके 106 तक गिविन है। देयर कैन नॉट बी यूनिवर्सल क्रिमिनल लाइबिलिटी इन ऑल सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल सही है ये बात। तो इसलिए ए और आर दोनों ट्रू है और आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है भाई, तो आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, इसलिए इसका आंसर डी वाला होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, डी वाला आंसर होगा। आइए इसके रेफरेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए आप लोगों से पूछा जा रहा है भाई, मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 2 क्लॉज 13 में जो दे रखा है उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगी? तो आप लोगों को बता दो, ग्रोइंग क्रॉप्स इसमें इंक्लूड होगी, क्योंकि मनी को आप प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करते। बिल्डिंग और ग्रोइंग ट्रीज जो हैं ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाते हैं। आप लोगों से पूछा जा रहा है सीआरपीसी से रिलेटेड। देखो अभी तक सीपीसी चल रहा था, 4-6 क्वेश्चन, उसके बाद फिर सीआरपीसी पे इन्होंने फ्लिप कर लिया। ये क्या कहते हैं भाई, अरेस्ट सेक्शन 45 में जो दे रखा है वो किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? तो याद रखिएगा, ये प्रोटेक्शन दिया जाता है आर्म्ड फोर्स के मेंबर को। सेक्शन 45 सीआरपीसी को आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है भाई, इंडियन एविडेंस एक्ट में नॉलेज किसके रेफरेंस में लिखी है? तो सेक्शन 14 आप लोगों से बात करता है स्टेट ऑफ माइंड की, जहां स्टेट ऑफ माइंड की फॉर्म्स आप लोगों को दे रखी है तो वहां नॉलेज भी इंक्लूडेड है, इसलिए सेक्शन 14 इसका सही आंसर होगा। आइए फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से टीपीए का पूछ लिया भाई, टीपीए के कौन से सेक्शन किसके साथ मैच कर रहा है? तो मैंने आप लोगों को वीडियोस के थ्रू ऑलरेडी बताया था कि कौन सी डॉक्ट्रिन किस पर एप्लीकेबल होती है। देखो सारी डॉक्ट्रिन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लिया है। फिर से बोलूंगा, आप लोग मेरी टीपीए की वीडियोस देख सकते हैं। मैंने आप लोगों से 5 वीडियो में टीपीए कंप्लीट किया था और सारे क्वेश्चन वहीं से ही पूछे गए हैं। सारे प्री के क्वेश्चन वहीं से पूछे गए जो मेरी वीडियोज में मैंने आप लोगों से शेयर किया था। भाई इसके रेफरेंस में सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसके रेफरेंस में बी वाला है। आप सीक्वेंस देख सकते हैं कि कौन सा किसके साथ रेफर किया जा सकता है। आइए फिर उसके बाद देखो, टीपीए से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा था बट फिर उसके बाद ये एविडेंस पर स्विच कर गए।
एविडेंस से रिलेटेड आप लोगों से पूछ लिया कि एविडेंस का कौन सा सेक्शन किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड है, बट एक बेरेक से दूसरे बेरेक ये लोग भागते हुए आपको नजर आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सा सेक्शन किसके रेफरेंस में बात करता है, तो आप लोग देख सकते हैं ए वाला इसके रेफरेंस में सही होगा। ये हॉस्टाइल विटनेस 154 से रिलेटेड है, इसलिए थ्री वाला इसका आंसर हो गया। डाइंग डिक्लेरेशन 32 हो गया, रिफ्रेशिंग मेमोरी 159 हो गया, और लीडिंग क्वेश्चन फिर आप लोगों का इससे रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसके रेफरेंस में डी वाला आंसर, ए वाला आंसर सही हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। आप लोगों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है, तो करेक्टली मैच इसमें से भाई कौन सा वाला होगा, तो इसमें से करेक्टली मैच होगा सी वाला सेक्शन 42, क्योंकि ये बात करता है नॉन कॉग्निजेबल केस में अरेस्ट की, और कब अरेस्ट किया जा सकता है, जब कोई पर्सन अपना नेम और रेजिडेंस देने से मना करता है तब उसे अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भाई ए के पास, ए ने थेफ्ट कमिट कर रहा था, उसके पास पिस्टल थी, लोडेड पिस्टल अंडर अ गारमेंट केप्ट फॉर द पर्पज ऑफ हर्टिंग बी इन केस इफ बी रेसिस्ट, तो इस केस में प्रिपरेशन ऑफ थेफ्ट और हर्ट इससे रिलेटेड क्या सही आंसर होगा, तो सेक्शन 382 इसके रेफरेंस में सही आंसर होगा, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट कहता है इससे रिलेटेड। ठीक है, यानी कि ये सबसे ग्रेव फॉर्म है थेफ्ट की, तो इससे रिलेटेड ये वाला आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। भाई अ हैंगमैन हु इज अ प्रिजनर, तो इससे रिलेटेड क्या सही आंसर है, तो सेक्शन 77, भाई कोई हैंगमैन जो होता है वो जज के ऑर्डर पर काम करता है, इसलिए सेक्शन 77 इसके रेफरेंस में सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। भाई आप लोगों से पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है, तो सेक्शन 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आप इसे रेफर कर सकते हैं, और इसके रेफरेंस में बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, कौन सा सेक्शन किसके साथ रिलेट करेगा, बी वाला आंसर सही है। फिर से बता दूं, ये बी वाला सेट मैं आप लोगों के साथ सॉल्व कर रहा हूं। भाई आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगर कोई विटनेस बोल नहीं सकता और वो ओपन कोर्ट में अपने एविडेंसेस देता है, तो उस केस में वो एविडेंसेस कैसे कंसिडर किए जाएंगे, इसे ओरल एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। सेक्शन 119 इंडियन एविडेंस एक्ट डम विटनेस से रिलेटेड इसके बारे में बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। भाई आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है, ज्यूरिस्प्रूडेंस पे आ गए, एविडेंस चल रहा था ज्यूरिस्प्रूडेंस पे आ गए, क्या पूछा जा रहा है। भाई आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ थ्योरीज और ज्यूरिस्ट के नाम इन लोगों ने दे रखे हैं, इसके रेफरेंस में बी वाला आंसर सही होगा। क्यों भाई, क्योंकि फिक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, सामंट के द्वारा, रियलिस्टिक थ्योरी ग्रीक के द्वारा दी गई है, इसलिए बी वाला आंसर इसके रेफरेंस में सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात कर लेते हैं। करेक्ट मैच करना है आप लोगों को, तो आप लोगों से पूछा जा रहा है पार्ट परफॉर्मेंस, कंडीशनल ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाई मॉर्गेजर। फिर से देख लो, मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा पॉइंट आप लोगों से पूछा जाएगा टीपीए में, और एग्जैक्टली वहीं से क्वेश्चन आए। तो देखो, मैंने आप लोगों से कहा था एमपी में गारंटी फुलफिल करी, पंजाब में गारंटी फुलफिल करी, इसी तरीके से मैंने यूपी के एपीओ में और उत्तराखंड के एग्जाम में गारंटी फुलफिल की, कि जो बता रहा हूं प्री में वहीं से क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट वीडियोस नहीं देखते, बट फिर से बोलूंगा भाई, वीडियो कोई भी और प्री देने जाओ, छत्तीसगढ़ का आने वाला है, प्री की वीडियो देखकर जाओ, भले ही आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, बट अगर आपको यह पता है ना कि बेरेक्ट में से यहां से क्वेश्चन आएगा, तो फिर वो चाहे आपको कितना भी घुमा ले, आप बिल्कुल सही आंसर पे पहुंच जाओगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों से टीपीए के रेफरेंस में पूछ रहा है कि कौन सा आंसर सही है, तो इसके रेफरेंस में सी वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। भाई 103 EWS से रिलेटेड है, इसकी में कौन सा क्लॉज आर्टिकल 16 में ऐड हुआ था, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 6 इसमें ऐड हुआ था। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड केस लॉ पूछा जा रहा है। भाई कौन सा केस लॉ है इसके रेफरेंस में, तो इसके रेफरेंस में बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, बी वाला आंसर इससे रिलेटेड आप लोगों को केस लॉस बताया गया है। ट्रांसफर ऑफ डिग्री कौन सा आंसर सही है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा, सेक्शन 39 इसके बारे में बात करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। भाई आप लोगों से पूछा जा रहा है सब्सिस्टेंस अलाउंसेस कौन फिक्स करता है, सब्सिस्टेंस अलाउंसेस आप लोगों से सेक्शन 57 सीपीसी में डील करता है, और स्टेट गवर्नमेंट इससे डील करती है, इसलिए इसके रेफरेंस में बी वाला आंसर सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से एजर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड है। आप लोगों से यूएन चार्टर पूछा जा रहा है। यूएन चार्टर भी मैंने आप लोगों को वीडियोस के थ्रू पढ़ाया था और देखो क्वेश्चन वहीं से पूछा जा रहा है। इसके रेफरेंस में कौन सा सही होगा? भैया कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंटेनिंग पीस, बिल्कुल सही। कंट्रीज के बीच में जो कंफ्लिक्ट है और डिफरेंसेस है उनके साथ, तो ये कहते हैं बिल्कुल सही बात है। इसलिए इसके रेफरेंस में भाई कौन सा वाला आंसर सही होगा? ए एंड आर आर ट्रू और आर इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, इसलिए डी वाला आंसर सही होगा। भाई आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इंटरनेशनल लॉ से दोबारा से इंडियन एविडेंस एक्ट पे आ गए। भाई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेक्शन 90A 5 years old प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होगा क्योंकि ये मे प्रिज्यूम है, ये मे प्रिज्यूम है इसलिए प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है भाई कोई एग्रीमेंट सर्टेन नहीं है नॉर कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन, तो इसके रेफरेंस में सही आंसर क्या होगा? बी वाला होगा, वॉइड हो गया, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आप रेफर कर सकते हैं। देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा, एविडेंस पूछा और फिर आईपीसी पे आ गए। सेक्शन 124A आईपीसी भाई पूछ रहे हैं कि डिससेटिस्फेक्शन का क्या, डिसअफेक्शन का क्या मतलब है? एक्सप्लेनेशन 124A की आप रेफर कर सकते हैं, डिसलॉयल्टी और ऑल फीलिंग ऑफ एनिमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। भाई आप लोगों से पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए वाला स्टेटमेंट ज्यादा करेक्ट है क्योंकि सेक्शन 2H में ये आप लोगों को मिल जाएगा। सेक्शन 2H आप लोगों से इसके रेफरेंस में बात करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। भाई आप लोगों से फिर से एजर्शन और रीजनिंग, भाई देखो ये जो फॉर्मेट है ना एजर्शन रीजनिंग वाला, या तो LLM के पेपर में आप लोगों को मिलता है या नेट के पेपर में आप लोगों को मिलता है। एजर्शन और रीजनिंग कम जुडिशरी के पेपर में पूछा जाता है, बट इस बार इन लोगों ने फॉर्मेट एजर्शन और रीजनिंग का रखा, तो यानी कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, देखो एजर्शन और रीजनिंग इसकी टफ नहीं है, अगर आप लोगों को ना बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर जाओगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, टफ कॉन्सेप्ट के बारे में ये बात ही नहीं कर रहे। जैसे कि आप लोगों से पूछ लिया एजर्शन और रीजनिंग में, तो इससे रिलेटेड क्या सही आंसर होगा? भाई बी वाला आंसर इसके रेफरेंस में सही होगा। सेक्शन 2G और सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आप रेफर कर सकते हैं। 2G और 2H की डेफिनेशन आप लोगों से यहां मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यहां इसमें से कौन सा सही होगा। भाई आप लोगों से फिर से किस पे आ गए? एविडेंस एक्ट पे आ गए, तो एविडेंस एक्ट में कौन सा इससे रिलेटेड सही होगा? क्वेश्चन नंबर हो गया 27, जो आप लोगों से सी वाला आंसर है ये बिल्कुल सही होगा। आप लोगों से सेक्शन लिखे हुए एविडेंस एक्ट के, आप इन्हें रेफर कर सकते हैं, सेक्शन 3, सेक्शन 11, सेक्शन 105 और सेक्शन 6। फिर से बता देता हूं सारे वही पॉइंट हैं जो आप लोगों से मैंने डिस्कस किए थे। देखो फिर से आ गया, आप लोगों से टीपीए का क्वेश्चन पूछ लिया, भाई मॉर्गेज किससे रिलेटेड है, यूनिवर्सल डोनी किससे रिलेटेड है, रिडम्पशन परचेज किससे रिलेटेड है। इसके रेफरेंस में बी वाला आंसर टीपीए का बिल्कुल सही होगा, ठीक है। होल्डिंग ओवर 116 में, यूनिवर्सल डोनी 127, इंडियन गिफ्ट से रिलेटेड है, तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हो ताकि आप लोगों को आंसर बिल्कुल सही मिल जाए। आइए नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फिर से आप लोगों से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया, मतलब पहला सेक्शन कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तो एक क्वेश्चन में आप लोगों से चार सेक्शन पता करने की उम्मीद रख रहा है ये। देखो मैंने आप लोगों से इसीलिए कहता हूं कि ऐसे पॉइंट पर ना अगर आप लोगों को ट्रिक याद है तो आपका आधा काम हो गया। जैसे कि मैंने आप लोगों से सेक्शन 22 पर एक ट्रिक डिस्कस कर रखी है, मूवेबल प्रॉपर्टी पर रॉन्गफुल गेन और लॉस दोनों होता है, फिर भी लोगों की उस पर डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है और लोग फ्रॉड करते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, उस पर वाइफ क्लर्क और सर्वेंट तक की नजर होती है, जिसके लिए वो क्या करते हैं भाई, जिसके लिए वो डॉक्यूमेंट विल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं, एक्ट और ओमिशन करते हैं। इससे रिलेटेड पूरी मैंने आप लोगों से क्या शेयर कर रखी है, एक वीडियो शेयर कर रखी है जो आप लोगों को पूरी स्टोरी फॉर्म में मिल जाएगा, देख लो आप लोग। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें पता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर जाओगे और इसका आंसर जो सी वाला है वो बिल्कुल सही लगा लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोगों से यूएन चार्टर पे पूछ लिया, भाई सिक्योरिटी काउंसिल किससे बाइंड है। देखो मेरे वीडियोस जाके देखना, फिर से बोलूंगा, मैंने आप लोगों से बोला था ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिखवा लो, और देखो लिख लो, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है और आर्टिकल 25 यूएन चार्टर का इसके बारे में बात करता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ
पूरे पेपर को सॉल्व करूंगा, बट उससे पहले मैं आप लोगों से बोलूंगा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।